नमस्कार, सिलवासा न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दादरा नगर हवेली के सांसद मोहन डेलकर ने संसद में उठाया अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का मुद्दा। पेश है एक रिपोर्ट। दादरा नगर हवेली के बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत गंभीर मामला है और बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। दादरा नगर हवेली में सर आप अनुसूचित जनजाति की संख्या 60% है, 60% है, और वहां पर जो ग्रुप बी और ग्रुप ए के लिए सरकारी नौकरियों में जो रिजर्वेशन रखा है वो सिर्फ सर 7% है। ये बहुत ही गंभीर है, बहुत बड़ा वहां के लोगों के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए बहुत बड़ा अन्याय है सर। और बाकी जो कास्ट है उनकी संख्या एक तरफ सर एससी के अनुसूचित जाति की संख्या सिर्फ 1% है और उनके लिए सर रिजर्वेशन है 15%। दूसरा सर ओबीसी की संख्या 10% है और उनके लिए आरक्षण है सर 15%। तो एक तरफ सर आदिवासी अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है 60% और उनके सामने रिजर्वेशन सिर्फ 7%। तो मैं हम वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ा न्याय है सर सरकारी नौकरियों में। बाकी के स्टेट में भी बार सर उनको नौकरी नहीं मिलती है, अपने क्षेत्र में यदि उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो जाएंगे कहां। मैं चाहूंगा सर कि ये केंद्र शासित प्रदेश है, भारत सरकार तुरंत सर इंटरवीन करे। जो नोटिफिकेशन सिर्फ 7% का निकला है वो रद्द किया जाए, नया नोटिफिकेशन निकाला जाए और उसमें सर जनसंख्या जितनी है उतनी जनसंख्या के मुताबिक वहां पर आरक्षण मिले आदिवासियों को, अनुसूचित जनजातियों को। ये मैं चाहता हूं भारत सरकार और खास करके सर गृह मंत्रालय इसमें इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे और ये नया नोटिफिकेशन।